हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू स्पून ऑयल। मैं हूं सुजाता और आज की हमारी रेसिपी है भटूरे। अब भटूरे की रेसिपी तो ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही होती है, लेकिन जब हम भटूरे बनाते हैं तो भटूरे फूलते नहीं हैं। अगर आपके भी भटूरे फूलते नहीं हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जिनको फॉलो करने से आपके भटूरे ज़रूर फूलेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और अंदर से इनका टेक्सचर भी एकदम बाजार जैसा जाली वाला आया है। और कढ़ाई से बाहर निकालने के बाद इन पर बिल्कुल ऑयल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं भटूरे की रेसिपी। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें। भटूरे बनाने के लिए मैंने एक बोल में 1 कप मैदा लिया है और उसमें घर वाली चम्मच से 3 चम्मच रवा मिला लिया है। रवा यानी सूजी मिलाना ऑप्शनल है, आप इसे बिना रवा के भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके भटूरे बाजार जैसे काफ़ी देर तक फूले फूले रहें तो आपको रवा ज़रूर मिलाना चाहिए। अगर आप रवा नहीं मिलाओगे तो कढ़ाई से निकालने के बाद भटूरे बैठ जाएंगे। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई शक्कर मिला दी है। सबके पास मेजरिंग स्पून्स नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इस रेसिपी में घर वाली रेगुलर चम्मच से भी मेजरमेंट्स बताए हैं। अब 1/2 टीस्पून नमक मिला लें। अब मैंने इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला लिया है। अब इसमें 1/4 कप फ्रेश दही मिला लें। दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। दही को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर सॉफ्ट आटा लगा लें। रेस्टोरेंट में जो भटूरे का आटा लगाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। हम लोग उतने सॉफ्ट आटे से भटूरे बेल नहीं सकते, इसलिए आप अपने हिसाब से जितना सॉफ्ट आटा आप हैंडल कर सके, जितने सॉफ्ट आटे से आप बिना सूखा आटा लगाए भटूरे बेल सके, उतना ही सॉफ्ट आटा रखिए। अब इस सॉफ्ट डो में मैंने 3 घर वाली रेगुलर चम्मच से घी मिला दिया है। घी मिला लेने के बाद इस आटे को 5 से 8 मिनट के लिए, या जब तक रवा और मैदा अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता एक दूसरे के साथ, तब तक मल लेना है। 5 से 8 मिनट इसे अच्छे से नीड करने के बाद इस पर तेल लगाकर इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद इसे 1-2 मिनट के लिए और नीड कर लें और फिर इसके गोले बना लें। हलवाई इस तरह से भटूरे के गोले बनाते हैं, इससे गोलों पर एक भी क्रैक नहीं आता है। सारे गोले बन जाने के बाद उन पर तेल लगाकर उन्हें रोल करते हुए अच्छे से सॉफ्ट कर लें, उन पर क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। गोले रेडी हो गए हैं भटूरे बनाने के लिए। भटूरे बनाने के पहले तेल को अच्छे से हाई फ्लेम पर गरम कर लें। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो भटूरा बेलना शुरू करें। ध्यान रखना है कि भटूरा बेलते समय सूखा आटा नहीं लगाना है। अगर आपका आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और आप उसे भटूरे नहीं बेल पा रहे हैं तो एक जगह पतला एक जगह मोटा ऐसा भटूरा मत बेलिए। अब आपने भटूरा चाहे किसी भी शेप का बेला हो, यानी गोल, ओवल या आड़ा टेढ़ा, कैसा भी वो फूलेगा, लेकिन अगर आपने भटूरे को कहीं मोटा कहीं पतला ऐसा बेला है तो वो कभी नहीं फूलेगा। भटूरा अच्छे से फूले इसके लिए भटूरे को बेलते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसे जितना हो सके उतना ज़्यादा पतला बेलें, क्योंकि आप इसे जैसे ही उठाओगे ये श्रिंक होकर के फिर से छोटा और मोटा हो जाता है। और जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो, यानी तेल में से धुआं निकलने लगे, तभी भटूरे को तेल में छोड़ें। इस बात का ध्यान रखें, भटूरे को फूलने के लिए सिर्फ गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत होती है।
और भटूरे को तेल में छोड़ने के बाद करछी से इस तरह से भटूरे के ऊपर तेल छोड़ते जाएं। ये बहुत ही हेल्पफुल टिप है भटूरे को फुलाने के लिए। आप इस टिप का यूज़ पूरी फुलाने के लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह से सारे भटूरे को बेलते जाएं और साथ ही साथ फ्राई करते जाएं। तो बेसिकली भटूरे को फुगाने के लिए हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि आटा उतना ही सॉफ्ट लगाना है जितने सॉफ्ट आटे के हम बिना सूखा आटा लगाए भटूरे बेल सकें। और दूसरा कि जब भटूरे को तेल में छोड़ें तो तेल बहुत ही ज़्यादा यानी धुआं निकले इतना गर्म होना चाहिए। और तीसरा कि भटूरे को फुगाने में हेल्प करने के लिए करछी से भटूरे के ऊपर तेल छोड़ते रहें। बस आप इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम भटूरे बनाते समय। मेरी गारंटी है कि आपके सारे के सारे भटूरे फूलेंगे। और अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो किया है तो आपके भटूरे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और एकदम बाजार जैसी जाली भी आएगी। और आपको इनको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि ये बाहर से बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगते। तो गर्मा गर्म भटूरे तो रेडी हैं, आप इंजॉय कीजिए इन्हें छोलों के साथ। और अगर आपको हलवाई जैसे स्वाद वाले छोले की रेसिपी चाहिए तो आप वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट रेसिपी का। बाय।